बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बगहा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि चंपारण महात्मा गांधी की भूमि रही है। इस भूमि ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने का काम किया है, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही नीतीश कुमार के झूठ मूठ में आरजेडी के साथ चले गए थे वाले बयान पर भी तंज कसा। आज इस धरती को हम नमन करते हैं और आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है तो वाल्मीकि नगर का विकास कैसे हो, लोगों की तरक्की कैसे हो, सबको सम्मान कैसे मिले, इसके बारे में दीपक जी ने आप लोगों को विस्तार रूप से बातें कही और काफी अरसे बाद वाल्मीकि नगर जो सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है और राष्ट्रीय जनता दल वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ता है। और मैं समझता हूँ कि दीपक यादव भी नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी वो जानते हैं, इनके पास सोच है, विजन है कि वाल्मीकि नगर को कैसे सभी लोगों का तरक्की हो, वाल्मीकि नगर का कैसे विकास हो, आगे कैसे बढ़ाए। दूसरी तरफ जो भी एनडीए के सांसद रहे लगातार 15-20 सालों से एनडीए के खाते में आप लोगों ने वोट देकर के जिताने का काम किया। बिहार में 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, भारत में 10 साल से मोदी जी की सरकार है। यहाँ का एमएलए एमपी लगातार भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, तभी यहाँ बदहाली है, तभी यहाँ गरीबी है, तभी यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है। आप बताइए, देखिए ये कोई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम तुम्हारा कोई व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है ना झगड़ा है, हम बस यहाँ आए हैं ताकि आप लोगों की बात को रखें और सरकार से सवाल पूछे कि मोदी जी आप जब आते हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप हर बार जो है यहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं, वोट तो ले जा लेकिन कुछ करते नहीं है। हमारे चाचा तो पलट गए, आप लोग देखे होंगे कि चाचा जी बोलते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। मोदी जी चाचा जी के कहते थे कि डीएनए खराब है, अब कुछ दिन पहले जब महिला वाले पे कुछ टिप्पणी कर दिए थे तो मोदी जी कहे थे कि कितना गिरोगे कितना गिरोगे कितना गिरोगे, और ठीक ही कहे लोहड़िया में अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने कहा था कि अब कोई गठबंधन नहीं, ए नीतीश बाबू अब भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो गया है, अब आपको कभी हम नहीं लेंगे। बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, अब वो एनडीए में ही रहेंगे। राजद पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि हम तो झूठ मूठ का वहां चले गए थे, जिसको लेकर ही तेजस्वी ने उन पर ये तंज कसा। बगहा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।